तो गाइस आज हम ब्लैक क्लोवर के सीजन 5 के पार्ट सेकंड के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, पार्ट फर्स्ट के वीडियो में बस हमने सिर्फ थोड़ा सा एनिमे का रीकैप और आस्था की ट्रेनिंग को देखा था, बट अब हम अपने कैप्टन्स और डार्क ट्राइड्स के बीच में बैटल अपने वॉर को देखने वाले हैं। तो हाँ, अगर तुम इंटरेस्टिंग हो तो कीप वॉचिंग। तो गाइस अब हमारे सारे के सारे कैप्टन्स हमारे कैप्टन यामी और कैप्टन वांजन्स को बचाने के लिए रेडी हो चुके हैं। उन सब लोगों ने एक स्पेशल रोप पहना हुआ है जो हमारे सैली ने आस्था की बॉडी को एक्सपेरिमेंट करके बनाया हुआ था, जो बिल्कुल माना को हाइड कर सकती है। वेल हाँ, हमारे इस टीम में एक सबसे स्पेशल बंदा भी जा रहा है, वो है हमारा हमारे किंग ने सेके को अपना स्पेशल पावर दिखाने के लिए भेजा है। तो हमारे नेस्ट कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल तो नहीं है, बट चलो तो तुम ह्यूमैनिटी के लिए सैक्रिफाइस ही बन जाना। वेल हाँ, इस मजाक के बाद ही हमारा जो नेस्ट है अपने साइड मैजिक को यूज करके सारे के सारे कैप्टन्स को स्पेड किंगडम के कैसल में टेलीपोर्ट करके ले जाता है, जहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जो स्पेड किंगडम में एक रेजिस्टेंस ग्रुप है जो डार्क ट्राइड का विद्रोह कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हम तुमने हमारे राजा को खत्म कर दिया और तुम हमारे सिटीजन्स पे ऐसा अत्याचार कर रहे हो, हम स्पेड किंगडम के सिटीजन्स तुम्हें अपना किंग कभी नहीं मानेंगे। और दूसरी तरफ से हमारे जो कैप्टन्स होते हैं वो उसके कैसल में इन्वेड कर चुके होते हैं पीछे से। वेल फिर हम तभी देखते हैं जो कैसल के बाहर है पूरा जो धरती होता है वो वाइब्रेट करने लग जाता है, और वहां से फिर एंशिएंट लेजेंडरी माजिन जो एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और सारे के सारे रेजिस्टेंस ग्रुप वाले की फटके चार हो जाती है। वेल तभी अंदर कैप्टन बोलते हैं कि क्या वो बाहर सब कुछ सही चल रहा है। तो नेस्ट कहता है कि हाँ, ये सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है। और फिर हम देखते हैं कि उस बड़े से मॉन्स्टर को एक बहुत ही बड़ा सा कोई पंच मारता है। वेल वो और कोई नहीं, अपनी मैरोलिना वर्मुलियन होती है। और दूसरी तरफ अपने कैप्टन प्लान के हिसाब से अपने यामी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर थोड़ा सा हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना नेस्ट है जो प्लान को एक्सप्लेन कर रहा होता है। वेल डार्क ट्राइड्स के प्लान के हिसाब से जो हमारे यामी और वांजन से एक सर्कल के बीच में होंगे और वो जो तीनों हैं वो उन सबके एजेस में होंगे और वो ट्विटर की तरह काम करेंगे। तो हमारे कैप्टन्स को बस उन तीनों के तीनों डार्क ट्राइड्स को खत्म करना होगा, जिससे ये रिचुअल जो है वो स्टॉप हो जाएगा, जिससे क्वेलीपथ बाहर नहीं आ पाएगा और ना ही गेट्स खुल पाएंगे। वेल उनके पास एक और स्ट्रेटेजी थी कि वो डायरेक्टली क्वेलीपथ को ही एंटी मैजिक से खत्म कर दे, बट उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि अगर हम फोर्सफुली इस गेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो क्या हमारे यामी और वांजन जिंदा भी बचेंगे। तो उनकी सबसे सेफ स्ट्रेटजी यही थी कि उन तीनों के तीनों डार्क ट्राइड्स को खत्म कर दो, जिससे ये रिचुअल ही स्टॉप हो जाएगा। और उनकी सबसे सबसे सेफ स्ट्रेटजी तो यही थी कि वो तीन ग्रुप में बढ़ जाएंगे और एक साथ तीनों डार्क ट्राइड्स पर अटैक करके उनको खत्म कर देंगे। और अगर बीच में कोई भी डार्क ट्राइड्स का कोई डिसाइपल आता है तो सिर्फ एक बंदा रुक के उनको बेट बनेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बंदे को मेन डार्क ट्राइड से लड़ने के बीच में ले जा सके। फिर तभी हम अपने मेन बैटल में आ जाते हैं, जहाँ पे अपनी मैरोलिना लेजेंडरी माजिन से लड़ रही होती है। मैरोलिना उस पर कितने सारे अटैक कर चुकी होती है, बट माजिन जो है एक इंच भी पीछे नहीं घिसक रहा होता, जहाँ पे रेजिस्टेंस ग्रुप वाले बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि क्या इसको हराना पॉसिबल भी है। और हमारे यहाँ मैरोलिना को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और फिर वो अपना एम्बॉडीमेंट ऑफ फायर यूज करती है, जिससे वो फिर खुद ही पूरा का पूरा मौना बन जाती है। वेल जहाँ पे वो पहले से हॉट तो थी, बट अब पूरा का पूरा हॉटनेस उससे बाहर आ रहा होता है। वेल उसके बाद वो एक खतरनाक सा अटैक माजन पे करती है, जिससे माजन पूरा का पूरा उल्टा पड़ जाता है और उसको कहती है कि चलो तुम एक और बार एटर्नली सो जाओ। तो फिर हम अपन कैसल के अंदर देखते हैं, जहाँ पे यूनो और लैंग्रिस ज़ेनोन के पास बैटल करने के लिए पहुंच जा चुके होते हैं। हाँ, ये वही ज़ेनोन था जो गोल्डन डॉन में आके सबको मार के और विलियम को लेके चला जाता है। तो तभी ज़ेनोन कहता है कि तुम जिंदा कैसे बच गए। यूनो कहता है कि यह सिर्फ हमारे कैप्टन के पावर की वजह से मुमकिन हुआ, और अब मैं अपने कैप्टन को यहाँ से लेके जरूर जाऊंगा। तो तभी ज़ेनोन कहता है कि अगर तुम अपने घर पे चुपचाप बैठ जाते ना तो तुम फिर थोड़ा ज्यादा दिन जिंदा रह लेते। और तभी लैंग्रिस बीच में कहता है कि जब मैं वहां नहीं था तो तुमने बहुत कुछ मेस्ड अप कर दिया है, और मैं वैसे टाइप का नहीं हूं कि मैं चुपचाप रह के खड़ा होकर देखूं और तुमको अकेला छोड़ दूं। और तभी वो अपना स्पेशल अटैक ज़ेनोन पे यूज करता है, और तभी अपना ज़ेनोन भी एक एब्सोल्यूट स्पेस मैजिक यूज करता है। तभी वो कहता है कि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम शायद सबसे पावरफुल स्पेशल मैजिक यूजर होते। तो तभी अपना लैंग्रिस अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल मैजिक आर्क एंगल एनहाइलेशन को यूज करता है। तो तभी अपना ज़ेनोन भी अपना स्पेशल मैजिक यूज करता है स्पेशल डोमिनेशन, जो बिल्कुल एक डोमेन की तरह होता है, जिससे उसका खुद का एक स्पेस का डोमेन बन जाता है, जिससे कोई भी उसमें अपने अटैक और मैजिक पावर्स को भी मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अपना लैंग्रिस का सबसे पावरफुल अटैक भी उसके कारण ही डिस्टरप्ट हो जाता है। और फिर ज़ेनोन कहता है कि तुम मुझसे पहले एक बार हार चुके हो और अपने प्राइड और रिवेंज कारण के लिए वापस से मुझे लड़ना, तो तुमने अपने बिल्कुल कैप्टन की तरह एक स्टूपिड चॉइस किया है और जिससे तुम वापस से यहाँ पे मरने वाले हो। और तभी अपना यूनो अपने विंड स्पिरिट बेल को यूज करके डाइव स्पिरिट मोड में चला जाता है, जो एक न्यू फॉर्म को अचीव करता है जिसका नाम होता है स्पिरिट ऑफ बोरियस। तो तभी ज़ेनोन भी शॉक हो जाता है कि जो एब्सोल्यूट स्पेस का जो मौना है वो यूनो को डोमिनेट ही नहीं कर पा रही थी। तो वो सोच रहा है कि क्या यूनो उससे भी ज्यादा ग्रेटर पावर को यूज करके उसको ही डोमिनेट कर रहा है,
बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बट जो उसके ही स्पेस की जो माना थी वो यूनो को ही लव कर रही थी, और तभी जो यूनो है वो अपने वेपन से जेनन पे अटैक करता है, और जिससे जो सारे के सारे जेनन के जो डिफेंस थे वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसको बहुत ही बड़ा डैमेज पहुंचता है। और यूनो उसे मोक करके कहता है कि क्या तुम यही कह रहे थे कि तुम सब यही मरने वाले हो। हाँ तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बट हम अगले एपिसोड में मैग्युक्ला के साथ बैटल देखने वाले हैं। तो हाँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो यार चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि तुमको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और तुम एंजॉय कर सके। और मेरे को लास्ट में सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछना था कि मेरी वीडियोज में बहुत सारी कमियां हैं, तो यार मुझे चलो तुम एक दो बता दो ताकि मैं उसको अगली वीडियो में सुधार सकूं। इतना तो